इस लेक्चर में बात करेंगे डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले जानते हैं डीसी जनरेटर क्या होता है डीसी जनरेटर के बारे में डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है डीसी जनरेटर क्या है एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है अब डीसी जनरेटर है इसलिए हम कह सकते हैं जो मैकेनिकल पावर को डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर अब कोई भी जनरेटर लो चाहे वो डीसी है या फिर एसी है उसके जो बेसिक्स जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं उनमें एक होता है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं मैग्नेटिक फील्ड ओके जब हमने कंस्ट्रक्शन को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड कॉइल्स होती हैं उससे वर्किंग फ्लक्स मिलती है ठीक है जो वर्किंग फ्लक्स है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं क्योंकि किसी भी चाहे वो मोटर है या फिर जनरेटर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है ओके okay? जो मेन कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंपोनेंट कंडक्टर्स सेकंड कंपोनेंट कौन सा है कंडक्टर्स ओके okay. जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है मोशन ऑफ कंडक्टर जो सबसे जरूरी है कि अगर कंडक्टर मूव करेंगे तभी ई एम इंड्यूस होगी ओके ईएमएफ दो प्रकार से इंड्यूस की जा सकती है एक होती है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसमें कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराया जाता है दूसरी होती है स्टैटिकली इंड्यूस्ड टीएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड टीएमएफ में दोनों स्टेशनरी रहते हैं बट उसमें जो फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करता है मतलब बदलता रहता है अपनी जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है उसको बदलता रहता है ओके मोशन ऑफ कंडक्टर्स जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं एक है मैग्नेटिक फील्ड दूसरा है कंडक्टर्स या फिर ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स थर्ड वन इज अ मोशन ऑफ कंडक्टर्स जो कंडक्टर्स है वो मूव भी कर, करें ओके okay? अब जो प्रिंसिपल है जो बेसिक प्रिंसिपल की बात करें वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओके इसको हम समझते हैं सिंपल लूप जनरेटर से उससे पहले मैं आपको फिर भी बेसिक आइडिया दे देता हूं क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जी आप देख सकते हैं नॉर्थ और जो दूसरा पोल है वो कौन सा है साउथ इसमें जब हम किसी कंडक्टर को मूव कराएंगे इसमें जब हम किसी कंडक्टर को मूव कराएंगे ये जो कंडक्टर है किससे कट करेगा ये कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से ओके मैग्नेटिक फील्ड या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से कट करेगा ठीक है जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स से कट करेगा तो क्या होगा अगर सर्किट क्लोज है इसमें ई एम एफ यूज हो जाएगी अगर सर्किट क्लोज है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ओके फैर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कट करेगा तो उसमें ई एम एफ यूज हो जाएगी क्लियर अब बात करते हैं कि जो जे वाला जो कंडक्टर है ये मूव कर रहा है इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनामिकली अंडूस्ड ई ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ ओके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दैन एवर अ कंडक्टर कट्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड

जो सिंपल लूप जनरेटर है उसको लिया है सिंपल लूप जनरेटर सिंपल लूप जनरेटर एक बात जहां पर आप नोट कर लीजिए चाहे वो डीसी जनरेटर है या फिर एसी जनरेटर है ठीक है एसी में तो जो आउटपुट मिलेगी वो एसी एसी ही, ही होगी अल्टरनेटिंग करंट होगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी बट जो डीसी है जो इसमें इंड्यूस होती है ईएमएफ, एम ओके okay? वो भी एसी इन नेचर ही होती है वो भी कौन सी होती है अल्टरनेटिंग ही होती है ओके okay? इस बात को नोट कर लीजिए क्लियर अब इस जनरेटर की बात करें तो इस जनरेटर में क्या है कि आप देख सकते हैं कि एक लू कंडक्टर है ठीक है ये देखिए एक सिंपली कंडक्टर है ये आप देख सकते हैं ये एक कंडक्टर है ओके okay? इसकी दो साइड्स हैं एक है ए बी एक साइड है ए बी कोयल की कितनी साइड है दो साइड है ठीक है की कितनी साइड्स हैं दो साइड्स हैं एक है ए बी और दूसरी है सी डी दूसरी कौन सी है सी डी क्लियर कोयल की कितनी साइड्स हैं दो साइड्स हैं ओके क्लियर अब आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर है अब जो, जो कॉइल है ठीक है वो रोटेट कर रही है ठीक है इस डायरेक्शन में मतलब कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब जहाँ तक जहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है मूव करने की या रोटेट करने की वो कौन सी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ओके क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अब कंडक्टर की दो साइड्स है कौन सी ए बी एंड सी डी दो साइड है कौन सी है ए बी एंड सी डी ओके okay, अब जब कंडक्टर पोजीशन वन पर है मींस जो कंडक्टर है वो बिल्कुल जो दोनों साइड्स हैं वे वर्टिकल है ओके okay? जहां इसको बोल सकते हैं कि जो दोनों साइड्स हैं ये पैरेलल मूव कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड के अब ठीक है फील्ड भी जहां पर मूव कर रहा है और जो कंडक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब दोनों की जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगी वो मैक्सिमम कट करेगी बट जो इसकी आउटपुट होगी मतलब ईएमएफ एम एफ यूज होगी वो जीरो होगी ओके पैरेलल है ओके okay, जो किसके साथ जो बट जो इसकी साइड्स हैं ठीक है ए एंड बी ठीक है एक है ए बी दूसरी है सी डी इससे जो फ्लक्स है वो कट नहीं करेगी मतलब यहां इस पोजीशन पे कट नहीं करेगी ओके इसको नोट कर लीजिए इस पोजीशन पे जो फ्लक्स है वो कट नहीं करेगी इसलिए क्योंकि इसलिए नहीं कट करेगी क्योंकि ये इसके साथ पैरलर ही मूव हो रही है ओके आप देख लीजिए कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है दोनों एक दूसरे के पैरलर हैं दोनों में जो रेलेटिव मोशन होगी या रेलेटिव स्पीड होगी दोनों की वो होगी जीरो ओके सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे है कि जब उसकी जो पोजीशन है वन पर है मींस जीरो डिग्री पर है तो उस पोजीशन में क्या होगा कि जो कंडक्टर है या कॉइल साइड्स हैं वो पैरल होंगी फील्ड के इसलिए जो ई एम एफ होगी वो कितनी होगी पोजीशन वन पर जीरो ठीक है वो कितनी हो गई जीरो अब थोड़ा सा जब मूव करेगा ठीक है पोजीशन दो बार आया ठीक है मतलब पहले जो कंडक्टर था वो जहां पर था अब जो कंडक्टर की पोजीशन जहां पर हो गई ठीक है ये क्या है ये फील्ड है आप इसको देख सकते हैं ये फील्ड है अब पहले पार्लर था बिल्कुल मूव कर रहा था अब थो, क्या हो गया ये पोजीशन सेकंड पर पहुंच गया इस पोजीशन पर पहुंच गया अब देखिए इस इस पोजीशन पर जो फ्लक्स है थोड़ी सी कट करेगी ठीक है ज्यादा नहीं थोड़ी सी कट करेगी ओके okay, तो इसलिए कुछ ई जो है वो इंड्यूस हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी वन से यहां तक पहुंचेगी इस सेकेंड पोजिशन पर अब तीसरी पोजिशन पर क्या होगा कि जो कंडक्टर है वो बिल्कुल इसके थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा मींस 90 डिग्री पर आ जाएगा क्लियर इस पोजीशन पर जब होगा मींस अब क्वॉयल क्या है हॉरिजॉन्टल हो गया ठीक है अब क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो गया इस पोजीशन पर क्या होगा कि जो ई एम होगी, जो फ्लक्स कट करेगी जो ई एम होगी, वो कितनी होगी मैक्सिमम होगी फोर्थ पोजीशन पर पोजीशन पर ईएमएफ थोड़ी सी कम करेगी कम इंडियूस होगी ठीक है जो ईएमएफ है वो कम इंड्यूस होगी ओके क्या कर रहे हैं इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं सिंपली आप देख सकते हैं पहले पोजीशन वन पर था अब जब मूव करेगा कंडक्टर तो वो फील्ड की जो फील्ड फील्ड लाइंस हैं ठीक है, है जहाँ पर मैं आपको क्लियरली ठीक है इसको देखिए पहले जे वाली पोजीशन थी जब जे वाला कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई जीरो इंड्यूस हुई क्योंकि दोनों पैरलर हैं एक दूसरे के क्लियर अब दूसरी पोजीशन में क्या होगा सेकंड पोजीशन जहां पर है ओके okay. अब थोड़ी सी कट करेगी ये जो है मतलब जो कंडक्टर है वो फ्लक्स से थोड़ा सा कट करेगा इस पोजीशन पर अब तीसरी पोजीशन कौन सी है जे वाली ठीक है इस पोजीशन पर फ्लक्स कट करेगी एंड जो ई एम एफ इंड्यूस होगी वो होगी मैक्सिमम अब फोर्थ पोजीशन कौन सी है फोर्थ पोजीशन है जहां पर ठीक है कंडक्टर है वो मूव कर रहा है ये पहली पोजीशन थी ये दूसरी थी कंडक्टर अब मूव करता जा रहा है ओके अब कौन सी पोजीशन पर पहुंच के फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर फ्लक्स कम इंड्यूस होगी ठीक है थर्ड पोजीशन पर ज्यादा थी और थर्ड फोर्थ पर कम हो गई अब फिर दोबारा जो वन पोजीशन मतलब जो ए ए, ए कंडक्टर था अब और जो सपोज करिए बी है अब क्या होगा कि मूव करते करते बी जहां पर चला गया फिर बी जहां पर चला गया फिर बी जहां पर चला गया अब बी कहां पर है अब बी जहां पर है जहां कौन सा आ गया ए अब इस पोजीशन पे फिर पैरेलल हो गई जो मूव कर रहा है कंडक्टर वो फील्ड के पैरेलली ही कर रहा है मूव इसलिए फिफ्थ पोजीशन पर ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी जीरो मतलब फिफ्थ पोजीशन पर भी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगी ओके ये फिफ्थ है अब सिक्स्थ है अब क्या होगा सिक्स पोजीशन पर जे आप देख सकते हैं जे फिफ्थ थी 180 डिग्री ठीक है जहां से लेकर जहां तक 180 डिग्री होता है अब जो सिक्स पोजीशन है अब उसमें ई एम एफ होगी बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी सिमिलरली सेवेंथ पोजीशन ठीक है सेवंथ पोजीशन पर मैक्सिमम ईएमएफ एम होगी एथ पोजीशन पर फिर कम हो जाएगी एंड नाइन्थ पोजीशन पर मींस जे वाली पोजीशन जो वन और नाइन इक्वल है इसमें ईएमएफ जो है जीरो इंड्यूस होगी क्योंकि पैरल हो जाएगा इसी तरह से जो हमारा जनरेटर है काम करता है बट हम बात कर रहे थे ए जनरेटर की डीसी जनरेटर की ठीक है जहां पर बात कर रहे थे एसी जनरेटर की बट जो हमने इस लेक्चर uh, में जो कंसेप्ट को क्लियर करना है वो कौन सा है वो है डीसी जनरेटर अब डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहती है ठीक है इसमें जो है वो पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई लेकिन डीसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन एक ही जो करंट है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है इसलिए जो हमने जहाँ पर यूज किया था स्लिपरिंग का ठीक है एक कंडक्टर इस साइड uh, से अटैच होगा सॉरी स्लिपरिंग और एक इससे ठीक है बट अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं सप्लेटरिंग का मीन्स कमुटेटर का यूज करेंगे ठीक है कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ठीक है commutator की commutator का यूज़ करेंगे commutator के दो सेगमेंट्स हैं एक और बी और जो बीच में सेगमेंट है जो बीच वाला है उसको सेपरेट किया है दोनों सेगमेंट्स को वो किसकी हेल्प से किया है माइका की हेल्प से माइका क्या है एक इंसुलेटिंग मटेरियल है ओके okay, अब जो करंट कैरी करेंगे जो करंट इंड्यूस होगा आर्मेचर में जो लोड तक पहुंचाने के लिए या एक्सटर्नल लोड लोड को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं ब्रशिज का यूज करते हैं, यूज करते हैं। के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम कार्बन का ठीक है समझने के लिए दो सेगमेंट लिए हैं एक और दो इसको सेपरेट किया है माइका के साथ ठीक है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर ठीक है आप इस डायरेक्ट इसमें आप देख सकते हैं क्लियर अब इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या होगा जब फर्स्ट फ, आ, आ, हम बात करते हैं फर्स्ट केस में ठीक है फर्स्ट केस की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि जब कंडक्टर मूव करेगा ठीक है जैसे ये देखिए कंडक्टर मूव कर रहा है ना ये वाला कंडक्टर मूव कर रहा है सिमिलरली डीसी के, के केस में भी कंडक्टर जो है वो मूव करेगा ओके जब कंडक्टर मूव करेगा तो इसमें जो कंडक्टर में ईएमएफ एम इंड्यूस हो जाएगी ठीक है ए सी जनरेटर के केस में क्या होता था कि जो ई एम एफ इंड्यूस होती थी वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो हाफ साइकल्स में हमें आउटपुट पर मिलती थी बट जो डी सी जनरेटर है उसमें एक ही डायरेक्शन में हमें ई एम एफ मिलेगी ओके okay? इसलिए इसको बोलते हैं डी सी जनरेटर और फर्स्ट केस है फर्स्ट केस में आप ध्यान से देखना क्या है कि सिंपली जो कंडक्टर है ठीक है जो कंडक्टर है जब उसने फील्ड के साथ कट किया तो क्या हो गया कि इसमें हम पहले देखते हैं कि हमने एक ब्रश को मार्क कर दिया पॉजिटिव और दूसरे ब्रश को मार्क कर दिया नेगेटिव अब करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ठीक है हम सिंपली हम इसको समझते हैं जे ए ठीक है जो फर्स्ट हाफ साइकिल था ठीक है जहां पर हमने किसका यूज किया स्लिप रिंग्स का यूज किया एसी जनरेटर के केस में अब डीसी जनरेटर के केस में हमने किसका यूज करना है रिंग जो जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर कम्यूटेटर का यूज किया ओके यही कम्यूटेटर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया इसकी वर्किंग का तो आपको पता चल गया जब कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगी अब फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें करंट की डायरेक्शन क्योंकि ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है ठीक है सिमिलरली यहां पर भी नॉर्थ है एंड जे क्या है जे साउथ है जे फील्ड की हम बात कर रहे हैं ओके okay, अब जो कंडक्टर है वो कट करेगी दोनों साइड हैं जो कॉल साइड हैं वो कट करेंगे नॉर्थ एंड साउथ मींस मैग्नेटिक फ्लक्स से कट करेंगे ओके जो फर्स्ट केस है उसमें क्या हुआ कि जो करंट है जब इसने कट किया तो करंट फ्लो होने शुरू हो गया किसमें लोड में से क्लियर अब करंट जाएगा ए से बी की ओर बी से एम की ओर ठीक है फिर उसके बाद एल ठीक है, उसके बाद जो ब्रश हो, होता हुआ जो सेगमेंट से होता हुआ सी और डी ओके क्लियर अब जो सेकंड केस होगा उसमें क्या होगा कि तो जो इस केस में तो डायरेक्शन जो है वो हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो गई ठीक है अब देखिए हमने फर्स्ट हाफ साइकिल को तो देख लिया कि कैसे जो करंट फ्लो किया अब जो सेकंड हाफ साइकिल होगा सेकेंड हाफ साइकिल होगा मीन्स जब नेगेटिव होगा तो करंट की डायरेक्शन जो है इसमें उलट नहीं होगी मीन्स रिवर्स नहीं होगी क्योंकि इस केस में क्या हुआ जब कंडक्टर मूव कर गया तो जो साइड सी डी थी वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गई नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जो साइड ए बी थी वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गई एस मींस साउथ के साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में अब दो ब्रशिज है एक को हमने मार्क किया था पॉजिटिव एंड सेकेंड को मार्क किया था नेगेटिव ओके okay? जो सेगमेंट ए था उसके साथ पॉजिटिव ब्रश कनेक्टेड था जो सेगमेंट बी था उसके साथ नेगेटिव ब्रश कनेक्टेड था ठीक है ए के साथ पॉजिटिव बी के साथ नेगेटिव अब क्या हुआ कि जब कंडक्टर मूव किया उसके साथ स्लिप रिंग जो हमारा रिंग है मींस कम्यूटेटर वो भी मूव कर रहा है अब जो बी है वो पॉजिटिव ब्रश बन गया क्योंकि मूव कर गया जो पॉजिटिव है वो एक नंबर एक वाला ब्रश है जो नंबर दो वाला है वो ब्रश है वो नेगेटिव है वो उसके ए, उसके कॉन्टेक्ट में कौन सा आ गया सेगमेंट ए वाला सेगमेंट आ गया ठीक है हमारे पास दो सेगमेंट थे ना अब जो करंट है करंट अब किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा अब फ्लो करेगा डी सी अब एम की ओर जाएगा एम ओके एल बी एंड ए मतलब इसमें क्या हुआ कि जो कॉयल साइड्स हैं चाहे वो डिफरेंट पोल्स के इन्फ्लुएंस में है बट जो उसकी डायरेक्शन है वो स्प्लेटरिंग की वजह से या फिर कम्यूटेटर की वजह से चेंज नहीं होगी क्लियर अब देख सकते हैं पहले भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था ओके अब भी करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है क्योंकि स्प्लेटरिंग की वजह से ओके okay? स्प्लेटरिंग इसमें जो है वो है माइका इसकी इसके कारण जो पॉजिटिव ब्रश है वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव ब्रश है वो नेगेटिव ही रहेगा क्लियर होप्सो आपको इस लेक्चर में जो वर्किंग है डीसी जनरेटर की वो क्लियर होगी होगी हो अब जो आउटपुट हमें मिलती है डीसी जनरेटर से वो मिलती है पलसेटिंग इन नेचर मीन्स प्योर डीसी नहीं मिलती है वो पल्सेटिंग होगी क्लियर ओके थैंक्स